सकर खोरा जो है ये भी एक तरीके का पक्षी, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये उल्टा घोंसला बनाता है, मीन्स झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। देखा है किसी ने सकर खोरा? अब तो नहीं, पहले के जमाने में अधिकतर जो सरपत के पेड़ होते थे या फिर झाड़ियों वाले पेड़ होते थे, आज से 15-20 साल पहले, वहां पे आमतौर पे देखा जा सकता था कि सकर खोरा अपना एक लटकता घोंसला बनाता है, और उस घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े यूज करता था। सकर खोरा ही एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला उल्टा बनाता है, जैसे फोटो में दिख रहा आप लोगों को, ये सकर खोरा है और ये अपना घोंसला क्या उल्टा बना रहा है। बाकी और पक्षी क्या होते हैं, पेड़ के या डाली के ऊपर सीधा बना रहे, बना डाली के नीचे ऊपर नहीं बनाते बना हैं। रहा। सो ये सकरखोरा भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरीके से सीटेट में आता है कि मान लो कि कोई भी है, लाइक एज कल हमने पढ़ा था कि दर्जन चिड़िया, तो उसमें पूछता है कि यस दर्जन चिड़िया की के घोंसले की खासियत यानी विशेषता क्या है, तो इस तरीके से दे देगा कि पहला ऑप्शन, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला दीवालों में बनाती है। दूसरा, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला दो पत्तियों को सिल करके बनाती हैं। तीसरा, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती हैं। चौथा, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तार का यूज करती हैं। तो इसमें से कौन सही हो सकता है, एक सही हो, दो सही हो, तीन सही हो या चारों सही हो? तो इस पत्तों को तरीके सिल से, के हाँ, बनाती है। पत्तों को सिल के बनाती हैं। तो इस तरीके से आपको पहले सारे फैक्ट पता होने चाहिए, तभी आप सीटेट के ऑप्शन क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीबीएसई का ईवीएस की बुक है, उसी को वो फैक्ट मानते हैं, तो ये सारे पॉइंट अगर आप लोग नोट बना लेंगे तो वो चीजें लास्ट टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। वैसे आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा, पॉइंट जी वाइज नोट बना लिया है सबने? हाँ हाँ सर, जी सर, सर, ठीक है सर जी। कह रही हूँ सर, शक्कर खोरा और ये कलचीड़ी का घोंसला बनाने का तरीका एक ही है, देखिए। अभी आएगा, ठीक है। तो अब कलची, हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा है कि कोयल देखा है, अंतर है ना उसमें, कह हाँ पत्थरों के बीच में कह रहे बनाती हैं, है। वो कह रही है, नहीं, वो कह रही है कि दोनों का सेम है, तो ये जो कलचिड़ी है ये तो पत्तों को सिल के बनाती है, वो पत्तों को सिल के शक्कर खोरा नहीं ना बनाता है। कलचिड़ी हमने देखा था, नहीं, कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है, पत्तों को सिल के बनाती है जी। ठीक है, वो अपना हाँ घोंसला पत्तों को सिल के नहीं बनाती है, ठीक अच्छा, है। हाँ, सर पत्थरों, कलचिड़ी, ठीक है, कलचिड़ी हाँ, अपना पत्थरों के घोंसला बीच में पत्थरों के बनाती बीच में बनाती है, कौवे अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डालियों पे है, ये बनाते हैं, तारों बनाते हैं, कोयल अपना और घोंसला कबूतर बनाते खंडहर हैं, में ये है, अपना घोंसला किसको मान लेती है, कौवे के कौवा घोंसले में ही अपना के घोंसला। घोंसले। बसंत गौरैया, बसंत गौरैया अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है, ऊंची डाल पे, सॉरी, ऊंची बसंत डाल गौरैया पे, अपना यस, घोंसला डालों उसमें बनाती है, पर जीवन खिड़की पे, पालता अलमारी पक्षी कैक्टस पे, के बीच में बनाते हैं या महली के पौधों पे ऊपर। बनाते हैं, और दर्जन चिड़िया पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती हैं, हाँ, बसंत इसी का गौरैया या सॉरी सकर खोरा अपना घोंसला उल्टा लटक करके बनाते हैं। बाकी सारे फैक्ट मैंने बता ही दिया था कि कौन कौन से, लाइक एज कौवा अपना घोंसला बनाते समय टहनियों का यूज करता है, तारों का यूज करता है, सकरखोरा अपना पत्ता बनाते घोंसला बनाते समय बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई का यूज करती है। इसी तरीके से हमने देखा था सकरखोरा यानी जिसे बोलते हैं इंडियन रॉबिन, वो भी अपने घोंसले में कॉटन का यूज करती है और नरम डंठलों का यूज करती है, पत्तों का यूज करती है। तो ये जितने चीजें कि घोंसला बनाने में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये हर एक पक्षी, जितनी पक्षियां यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, पॉइंट वाइज नोट्स बना यस सर, लीजिएगा, यस सर, और खासकर जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें इन चीजों को पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, वीवर पक्षी के बारे में है। वीवर पक्षी खासियत ये होती है कि नर वीवर जो होता है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर कभी घोंसला नहीं बनाती है, केवल नर वीवर घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों का निरीक्षण करती है और जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है।
कितनी चालाक होती है सर। हाँ चालाक होती है, मतलब मादा बीवर घोंसले बनाती है, हाँ या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, मादा बीवर नहीं कभी घोंसले नहीं बनाती है, बनाती है, केवल नर बीवर नहीं पक्षी बनाती घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर जो घोंसले पसंद होंगे उसी घोंसले के अडॉप्ट है। करेगी और और उसी में अंडे देगी। उसी में अंडा देगी। क्लियर? ठीक, यस सर। ओके। अच्छा, अगला फैक्ट यह है कि पक्षी घोंसला केवल इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें वो अंडे दे सके, या फिर अंडे देने के बाद जब तक उसमें से चूजे निकल नहीं लेते हैं, और चूजे निकलने के बाद जब तक वो उड़ना सीख नहीं लेते हैं तभी तक केवल घोंसलों का यूज करते हैं। एक बार अंडे निकल गए और बच्चे उड़ना सीख गए, उसके बाद पक्षियां अपने घोंसलों को त्याग कर देती हैं, छोड़ देती हैं। छोड़ फिर अगली देते बार जब वो प्रेग्नेंट होंगी, अंडे देने लायक होंगी, तो फिर से अपना नया घोंसला बनाएंगी। ठीक है? सो यस घोंसला सर। छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, जमीन में, पानी में। जिसका जो आवास होता है, जो पक्षी पेड़ पे रहते हैं वो वहां पेड़ पे चले रहेंगे, जो जमीन पे रहते हैं वो जमीन पे, जो पानी में जाना चाहते हैं वो पानी में चले जाते हैं। अब आप लोगों ने ये बचपन में पढ़ा होगा कि पक्षियों के पंजे, जैसी पक्षियों के पंजे होते हैं वैसा उनका काम होता है। हालांकि ये सीटेट का क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार फिर भी आपको समझना चाहिए कि पक्षियों के पंजे भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट आकार के, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के होते हैं। जैसे पानी में तैरने वालों के लिए हमारे पैर क्या होते हैं, जालीदार होते हैं, जैसे बत्तख के पैर, तो ये बत्तख का पैर है। टहनिया पकड़ने वाले पक्षियों के पैर जो होते हैं उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, शिकार पकड़ने वालों के नाखून बड़े बड़े होते हैं, पेड़ पे चढ़ने वालों के लिए, पेड़ पे जो चढ़ते हैं उनके हर एक उंगलियों के बीच नाखून 90 डिग्री का भी एंगल लंबे बनता है, दो उंगलियों के होते बीच में 90 डिग्री का एंगल। और जो जमीन पे हैं। चलते हैं उनकी टांगे लंबी होती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, जमीन पे चलते हैं बहुत कम उड़ते हैं, तो उनकी टांगे क्या होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक है? उसी तरीके से चोंच की भी विशेषता है, मांस चीरने या फाड़ने वाले चोंच हमारे ये हैं, लकड़ी में छेद करने वाले जो कठफोड़वा चिड़िया होती है उसका चोंच लंबा होता है, फूलों का रस जो चूसने वाले होते हैं उनकी छोटी और कर्व टाइप की चोंच होती है, कीचड़ में छानबीन करने वाले जैसे बगुला है तो उसकी चोंच क्या होगी, लंबी होगी, बीजों को दबाकर लंबी तोड़ने वाले जैसे गौरैया होती है तो गौरैया का देखो चोंच छोटा होता है, होगी। काटने के लिए लाइक एज आप लोग देख लो गिद्ध, तो गिद्ध का चोंच हमारा काटने टाइप का होता है, इससे वो मांस को फाड़ लेते हैं, काटते हैं। देखो मांस चीरने वाले और काटने वाले ये दोनों का चोंच देखो, अलग ये मांस चीरने वाले ये गिद्ध वाले हैं, और काटने वाले, काटने का मतलब ऐसा है कि कुछ चिड़िया ऐसी होती जिनको पकड़ने जब हम जाते हैं तो वो काट लेते हैं। ठीक है? और ये खासियत कौओं में होती है। अच्छा, अब आते हैं अगले कबूतर। टॉपिक पे, दांत। इसमें दांत की खासियत क्या है कि अधिकतर दांत पूछता है सांप के दांत के बारे में, जो अगला टॉपिक होगा हमारा, कल का टॉपिक होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांप के दांत, वो देखेंगे कि सांप के दांत कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, विष कौन से दांत से निकालता है, कितने तरीके के सांप ऐसे हैं, सांपों की प्रजातियां कितनी है कि जो विषैली सांपों की प्रजातियों में आती हैं, वो सब कल का टॉपिक है। अभी देखते हैं जानवरों के दांत। तो गाय के दांत, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। अच्छा एक बात अच्छा, बताओ कि इंसान में कितने तरीके के दांत होते हैं? चार चार तरीके तरीके के होते हैं, कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्म। के। ठीक है? तो कृंतक मतलब काटने वाले, चर्वणक यस। मतलब चबाने वाले, रदनक चबाने मतलब वाले, उतरने फाड़ने वाले, अग्रचर्म वाले होते हैं, उतरने फाड़ने। हाँ मतलब चबाने के पहले वाले जो दो दांत होते हैं वो अग्रचर्वणक में होते हैं। सो गाय में क्या होता कि केवल दो ही दांत होते हैं, कृदनक और चर्वणक। कृदनक मीन्स जो काटने के काटने लिए और चर्वणक मीन्स चबाने के लिए। वाले। ठीक है? तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए,
घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े आकार के होते हैं, मींस काटने के लिए कौन सा होगा कृंतक, और चबाने के लिए चर्वड़क। बिल्लियों में बिल्लियों के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने होते हैं। और काटने में काम आते हैं। देखो दो दांत दिख रहे हैं ऊपर नीचे, इधर दो दांत दिख रहे हैं ऊपर नीचे। सो ये क्या है, बिल्लियां केवल फाड़ने का काम करती हैं। चूहा मिल गया चूहे को फाड़ देंगी, मीन्स मांसाहारी होती हैं, इसीलिए इनके दांत नुकीले होते हैं। इंसान क्या होता है, इंसान सब कुछ है, सर्वाहारी है, तो उसके पास नुकीले भी रहेंगे, काटने वाले भी रहेंगे, चबाने वाले भी रहेंगे। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि निगल कर खाता है, चबा कर निगल जाता है। निगल जाता है। कभी चबा करके सांप नहीं खाता है, वो पूरा का पूरा निगल ही हाँ जाता है। दिस इज द इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गिलहरी, हर बार नियर अबाउट एक साल गैप करके इसके एक दांत आता हमेशा है। पिछले बढ़ते रहते हैं। साल भी आया था सीटेट के पेपर में, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते सर रहते हैं। किसमें, हाँ जी, सर किस वाले में आया था? पिछले पिछले साल सीटेट तो मतलब जुलाई वाले में आया था कि उसमें? में, नहीं दिसंबर वाले में। अच्छा, तब तो गिलहरी के तो नहीं दांत आएगा ये। अच्छा, नहीं, इस बार नहीं आएगा तो फिर दिसंबर वाले सीटेट में आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो सर। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। आप देखोगे गिलहरी हमेशा कुतरती रहती है, क्यों कुतरती है, क्यों से कि दांत इनके हाँ घिसते हाँ रहते हैं। अच्छा, कहीं पे भी एनसीईआरटी बढ़ते रहते की बुक में नहीं दिया हुआ है कि चूहे के दांत बढ़ते रहते हैं इसलिए वो कुतरते रहते हैं। हालांकि ये भी फैक्ट है कि चूहे अच्छा क्यों कुतरते हैं, क्यों से कि उनके भी दांत बढ़ते हैं, लेकिन कहीं पे भी सीबीएसई ने अपने अच्छा एनसीआरटी की बुक में ये हाँ फैक्ट सर, नहीं लिखा दिया। नहीं है। तो आप लोग जब भी सीटेट का पेपर देने जाएंगे, चूहा और गिलहरी दोनों ऑप्शन आता है, तो आप लोग गिलहरी वाले ऑप्शन पे टिक तो करें। पहले तो गिलहरी को ही लगाएंगे। पहले गिलहरी को लगाएंगे, अगर गिलहरी नहीं है तो चूहे पे लगाएंगे, लेकिन ये ऐसा तब कभी चूहे नहीं को। होगा अगर आप सीटेट का हाँ पेपर देने जाए कि वहां पे चूहा ऑप्शन हो, हमेशा गिलहरी ही हाँ ऑप्शन सर, रहेगा। ठीक है, आगे यस बढ़ा सर। जा। हाँ सर, सर एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है सर, ये पूछ रहे थे कि इस बार का जो सीटेट का डेट है वो इधर उधर नहीं होगा नहीं, क्या? डेट इधर उधर नहीं होगा, डेट वही है। बताइए सर, इतनी दिक्कत हो रही है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, कैसे कोई पेपर दे पाएगा? नहीं, आप लोग घर इतनी पे बैठे हो, छुट्टियां आप हो जा लोग रही हैं। पढ़ाई करो, घर पे तो बैठे ही हो। ठीक नेक्स्ट, हाँ सर, मुझे लेकिन फिर पूरी भी वहाँ हम लोग क्लास, कोचिंग में आते हैं तो आपसे थोड़ा ज्यादा कंपनी मिलता है। सर चलो कोई बात नहीं, वो कंपनी यहाँ पे ले लेना, यहाँ पे भी तो मिलना है। चलो, हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक कर्नाटक में गांव है होलगुंडी। पहला फैक्ट ये है कि पूछा जाता है कि होलगुंडी कहाँ पे है, होलगुंडी कहाँ पे है, कर्नाटक में। कर्नाटक, बड़गांव कहाँ पे है, वो क्या सर, केरल में ना? बड़गांव गोवा में, अच्छा गोवा में। बड़गांव हाँ कहाँ पे है, गोवा गोवा में। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, गोवा फर्स्ट पेपर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट नोट्स, तो उसमें था कि मडगांव कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, तो होलगुंडी गांव कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कर्नाटक अब में। इसके पीछे की कहानी क्या है कि होलगुंडी गांव में 10-20 साल पहले पानी हुआ करता था, लेकिन करंट सिचुएशन यहाँ पे ये है कि वहां पे पानी खत्म हो चुका है, ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो जानवरों के पीने के लिए पानी है, और ना ही खेत की सिंचाई करने के लिए पानी। तो गांव के बच्चे होते हैं, वो बच्चे अपना भीमा संघ बनाते हैं, छोटा भीम आता है टीवी पे, तो उसी से प्रेरित होकर के, या हाँ फिर टीवी वालों ने प्रेरित होकर के भीम, छोटा भीम बनाया। सो उससे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भीमा संघ क्या है, होलगुंडी गांव में बच्चों का एक संघ। पंचायत उन बच्चों ने क्या समूह किया है। कि अपने बुजुर्गों से पूछा कि पहले ऐसा क्या था कि हमारे गांव में पानी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में हमारे गांव से पानी खत्म हो चुका है। तो गांव के बुजुर्गों ने बोला कि ऊंची पहाड़ी पे एक टंकी थी, बरसात के समय उस टंकी में पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और पूरे साल तक उस पानी का यूज हम लोग करते थे। तो
बच्चों ने सोचा कि उस समय था तो इस समय क्यों नहीं है। तो बच्चों ने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद पाया कि जो टंकी है वो पूरी तरीके से कबाड़ से, पत्थर से, टहनियों से भर चुका है। तो बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम पहले उस टंकी को साफ करेंगे, साफ करने के बाद फिर देखेंगे कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे, देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी, उसमें पानी कहाँ से भरता, उसकी दीवारों में भी दरारें थी, फिर पानी कैसे टिकता, आसपास ना कोई पौधा था ना घास, फिर कैसे हरियाली होती। सो बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम टंकी को साफ करते हैं, और टंकी को साफ करने के बाद जो टंकियों के बीच में दरारें पड़ गई हैं उसको भी हम लोग भर देते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा किया, अगले साल फिर बारिश आई, बारिश होने के बाद वो टंकी फिर से भर गया और पानी पूरे सालों साल चलता रहा। तो ये भीमा संघ की खासियत थी। भीमा संघ ने क्या किया, होलगुंडी गांव में पानी का पानी का संचयन फिर से किया, और आज भी ये भीमा संघ चलता रहता है। और आज भी भीमा संघ में बड़े लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, छोटे बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो भीमा संघ क्या है, भीमा संघ छोटे बच्चों का एक संघ है जो खासकर कर्नाटक होलगुंडी गांव, होलगुंडी गांव कहाँ पे है आप लोगों ने देखा, होलगुंडी गांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सा गांव है, होलगुंडी गांव। भीमा ठीक है, समझ सर। में आ गया। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे फैक्ट है ओक के बारे में। जुलाई में, सॉरी दिसंबर में जो सीटेट का पेपर हुआ था, दिसंबर 2019 में, उसमें आया था, नैनिका जी आया था, हाँ सर आया था। रेगिस्तानी ओक के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन सीधे सीधे आया था, जिसमें से चार ऑप्शन दिए थे, तीन ऑप्शन सही था और एक गलत था। पहली बात, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि रेगिस्तानी ओक जैसे ही सुनते हैं ना, रेगिस्तानी जैसे सुनते हैं वो टिक मार देते हैं राजस्थान, नहीं सर ये लेकिन तो आप लोगों को ये ऑस्ट्रेलिया ध्यान में में। रखना है कि ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक। तो पहला ऑप्शन यही था, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ऊंचा पेड़ नहीं होता है, रीजन दैट कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों तो पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश हिस्से जो है वो क्या है, रेतीले। जो पौधे रेत में होते हैं, अपने आप ही जो राजस्थानी पौधे होते हैं या फिर जो राजस्थान में होते हैं, बलुए इलाके में होते हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 14 फीट की हाइट तक जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते। लेकिन एक खासियत ये होती है कि जितना ऊंचा होता है उसका 3 गुना नीचे जड़े जाती है। उसकी जड़ें बहुत नीचे अगर जाती मान लो ऊंचाई 10 फिट है तो उसकी जड़ें नियर अबाउट 30 फिट जमीन के अंदर रहेंगी, और क्यों रहती हैं, हैं, ताकि वो जब तक उसमें से पानी के पानी ऊपर निकल रहती हैं तब सके, तक जड़ें उसकी बढ़ती रहती हैं। बढ़ती तो रहती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, लिखा हो तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है, तो क्लास की दीवारें मैक्सिमम 12 फिट होती हैं, घर में 10 फिट होती है। पत्तियां बहुत ही कम होती हैं, और होती भी हैं तो छोटी छोटी होती हैं, कटीली पत्तियां। कटीली पत्तियों की खासियत क्या है कि वाष्पोत्सर्जन में पानी कम उत्सर्जित करते हैं। जो पत्ते चौड़े होते हैं, जैसे केले के पत्ते चौड़े होते हैं, तो केले के पत्ते को पानी खूब देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने बबूल का पेड़ देखा होगा, तो बबूल के पेड़ में पत्ते कौन से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और कांटे निकले होते हैं। ठीक है, तो अंदाज लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी, तो कितनी जाती होंगी, 3 गुना, 10 से 12 फिट है तो 36 फिट जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं, नीचे। और ये तब हाँ तक जाती हैं जब तक कि जमीन की गहराई में पानी ना मिल जाए, जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। तीसरा पॉइंट यह है कि ओक के पेड़ में एक तना होता है जहां पे पानी इकट्ठा होता रहता है, तो और सर उसमें कैसे डाल पानी निकाला जाता है? पानी जड़ों को थोड़ा सा छेद करके उसमें पाइप डाल करके, या फिर बांस का पाइप बना ले या फिर स्ट्रॉ बना ले, उससे पानी निकाल सकते हैं। तो अच्छा
यह है हमारा कि तने के में पानी होता है और आसपास के रहने वाले लोग ये बात जानते हैं, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहां के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी पी निकाल लेते हैं। सो राजस्थानी ओक के बारे में देखो क्या क्या पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। थर्ड पॉइंट, इसके जो जड़े हैं वो 30 से 40 फीट, मतलब होती है 30 से 40 फीट जमीन के अंदर जाती है। पानी इकट्ठा करने के लिए इसमें तना होता है। आसपास के लोग पाइप के द्वारा जब पानी की कमी होती है तनों से पानी पी सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया मींस रेगिस्तानी ओक के बारे में। इन 5 पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन फ्यूचर कभी वीडियो देखिएगा फिर भी नहीं समझ में आया तो पॉज कर करके देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा अपना। हालांकि ये सारे नोट्स आपको पहले दे दिए गए हैं तो आप लोगों ने अपना नोट्स बना भी लिया होगा। अगर फिर भी नहीं बनाया है तो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ सर। आगे देखते हैं उरुका। बच्चों का हक। उरुका नहीं, अभी एक और टॉपिक है हमारा ये वाला। उरुका बिहू से पिछले दिन शाम को कहते हैं। बोरा और चेला, सॉरी बोरा और चेवा चावलों की दो प्रजाति हैं जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। तो इस देखो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने से हमें 3 चीजें सीखने को मिली। पहला चीज ये है कि ये जो बिहू है ना, बिहू ये जो बिहू लिखा हुआ असम है, में मनाया जाता है। असम में नाच है। क्या है? डांस डांस है वहाँ का। असम का बिहू उसे बोलते हैं शॉर्टकट में असम की बहू। हाँ। असम की बहू मतलब असम में एक डांस होता है जिसका नाम क्या है? बिहू है। ठीक है। बोरा और चेवा दो प्रजाति की चावल होती है। बोरा और चेवा चावल कितने प्रजाति की होती है सर? उरका उरका तो वहां का वो फसल वो होता है ना। क्या उरका मतलब? उरका किसी का नाम है। अच्छा। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। तो उसमें उरुका एक व्यक्ति का नाम है, बिहू भी किसी का नाम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बिहू असम का एक डांस है। और ये फैक्ट है कि असम का एक फोल्क है जिसका नाम क्या है? बिहू। ठीक है। बोरा और चेवा दो प्रजाति की चावल कहाँ पर पाई जाती है? असम में। असम में। तो दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बिहू असम का डांस क्या है? बिहू है। और बोरा और चेवा चावल की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? असम में। असम में। क्लियर? असम में। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील आप लोग जानते ही हो कि मिड डे मील प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिया जाता है एज ए लंच के टाइम। ठीक है। इसका उद्देश्य मतलब एक ही है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने के लिए मिड डे मील दिया। हमारे वो संख्या बढ़ाने पेट खाना नहीं मिल पाता। इनमें से तो कई बच्चे तो स्कूल जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं वो खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, यही सभी बच्चों का अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है, किस सन में पारित किया गया, इसको हम बाद में देखेंगे जब आप लोग क्लास में आएंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि मिड डे मील कब पारित हुआ, कौन से पीठ ने पारित किया, क्या कितने कैलोरीज मिड डे मील में बच्चों को देना चाहिए। क्लियर? आवाज नहीं आ रही। क्लियर? नहीं आ रही। यस सर। हां सर। हां सर। हां सर। क्लियर हो गया ना? ये टॉपिक हो गया। अब हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हुए हैं, उन 2 मिनट में हम इस टॉपिक को खत्म नहीं कर सकते। हमें एक पढ़ना है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है पोचमपल्ली। अच्छा। और पोचमपल्ली में क्या होते हैं? बुनकर परिवार ज्यादा है। बुनकर मतलब जुलाई, बुनने वाले। तो पोचमपल्ली एक कपड़े का टाइप है, जैसे कॉटन होता है, सिल्क होता है, उसी तरीके से पोचमपल्ली भी एक टाइप है कपड़े का।
और वो कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जिला है और उस जिले में बहुत सारे बुनकर परिवार हैं, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यस। पोचमपल्ली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। और गुलाहंडी, गोलहंडी कहाँ पे है? वो तो कर्नाटक है। कर्नाटक। और एक हमने और दिया था, मडगांव कहाँ पे है? गोवा। गोवा में। और एक और है, चलो आगे डिस्कस करेंगे, दो तीन जगह और हमने बताए हुए हैं, सो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना आपका हो गया, बाकी आगे हम कल डिस्कस करेंगे। पोचमपल्ली तक आप लोगों ने पढ़ लिया, आगे का लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे हमने क्या क्या पढ़ा। आगे से कपड़े से लेकर के इसको, हमारे पास दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद हम अपना थर्ड नोट से डिस्कस करेंगे। हाँ सर। ओके हाँ।